Hi everyone. So here we are going to start the first chapter of physics of class 9, ठीक है, which is motion. ठीक है, ये हमारा first lecture होगा. ठीक है, lecture के अंदर जो हम चीजें पढ़ेंगे आपको वो मैं बता देता हूँ कि इस chapter के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, तो the first thing हमें जो पढ़नी है, एक मिनट चाहिए. हाँ, हमें जो first thing पढ़नी है वो क्या है हमारे पास, definition of rest and motion. मतलब हम इस chapter के अंदर पूरा motion के बारे में पढ़ेंगे और ये जो पूरा कंटेंट है, ये पूरा मतलब जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट कर सकूँ. 3 to 4 वीडियोस या फिर मे बी 5 भी हो सकते हैं. मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियोस मैं बनाऊँ, बट हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेक्चर्स में उसे डिवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से आज 3 टॉपिक्स तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाएँ. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर विच इज मोशन ऑफ फिजिक्स क्लास 9. ठीक है, तो अब हम समझते हैं रेस्ट के बारे में एंड मोशन के बारे में होता क्या है. उससे पहले मैं आपको एक बार रेफरेंस पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है. देखो, मेरा एक हाउस है. ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, मेरा स्कूल है. ठीक है, ये मेरा क्या है, हाउस है एंड दिस इज माई स्कूल. ठीक है, अगर मैं देखो एक चीज देखना, अगर मैं अपना अपने हाउस से अपने स्कूल में जाता हूँ तो जो मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, मेरा हाउस. मतलब इनिशियल पोजीशन पे मैं कहाँ पर था, इनिशियल जो पोजीशन होगी, जो मेरी पहली पोजीशन होगी वही मेरी क्या कहलाएगी, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगी. ठीक है, अब व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जल्दी जल्दी से. अब अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. सिंपल सी चीज कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं हाउस में था, एक एग्जांपल दे के समझते हैं कि दोनों चीजें, जैसे ये रहा मेरे पास, क्या है, मैं अभी हाउस पे था. एक देखो, 6 AM पे मैं कहा हूँ, अपने घर पे हूँ. 6 AM पे मैं अपने घर पे हूँ और 7 AM पे भी क्या हूँ, मैं अपने घर पे हूँ. ठीक है, दोनों टाइम पे मैं क्या हूँ, अपने घर पे हूँ. ठीक है, क्या मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ. देखो, व्हेन द पोजीशन ऑफ दिस डज नॉट चेंज, मतलब पोजीशन मेरी क्या है, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. एक घंटा हो गया मैं वहीं पर ही था, घर पे था, अभी भी घर पे हूँ और 6 बजे भी घर पे था और 7 बजे भी घर पे हूँ, तो दिस इज नोन एज रेस्ट. ठीक है, और अगर मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, कॉन्टिन्यूसली मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, किसके रिस्पेक्ट पे मैं अपनी इस पोजीशन, मैं कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं अपने रेफरेंस पॉइंट को देखूंगा. सिंपल चीज, मैं यही तो देखूंगा, पहले मैं कहाँ पर था, देखो पहले मैं कहाँ पर था और अब मैं कहाँ पर हूँ. तो देखो, ये मैं पहले यहाँ पर था और अब मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, और उसके बाद कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा. तो ऑब्वियसली बात, मुझे एक चीज पता चल गया कि मैं इस रेफरेंस पॉइंट को देख रहा हूँ और उससे मुझे पता चल रहा है कि मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, तो अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज करता हूँ, अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज करता हूँ कॉन्टिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, तो दिस इज नोन एज मोशन. ठीक है, तो मोशन और आपको डेफिनेशन पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट. देखो, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, मेरे पास जो हाउस है मेरा वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये जो मेरा स्कूल है ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा डेस्टिनेशन है जहां पर मुझे पहुंचना है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक 6 से स्लैब बनाते 6, 7, 8, अगर 6 से 7 भी मैं अपने घर पे हूँ, 6 से 7 मेरे को एक घंटा हो गया, मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, कैसे पता चल रही है, पहले भी मैं हाउस में था रेफरेंस पॉइंट को देखते हुए, अभी भी मैं क्या हूँ, यहाँ पर भी मैं हाउस पे था और यहाँ पर भी मैं हाउस पे हूँ, तो मेरी रेफरेंस पॉइंट पहले भी क्या थी, यहाँ पर थी और अभी भी क्या है, यहाँ पर ही है. मतलब मैं फाइनल जो पोजीशन है मेरी अभी यहीं पर ही है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या हूँ, रेस्ट में हूँ. बट यहाँ से यहाँ जाते हुए मैंने क्या करा कि मैंने अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर दिया. मुझे कैसे पता चल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पोजीशन कैसे है, पहले मैं कहाँ पर था, यहाँ पर, अब मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर, उसके बाद कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो मेरे को कैसे, तो चेंज किसके थ्रू आ रहा है, इस रेफरेंस पॉइंट को देखते हुए हम देख रहे हैं कि हमारे 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 डिस्टेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. तो दिस इज नोन एज मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट को देखते हुए अगर मेरी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, रेफरेंस पॉइंट को देखते हुए, ठीक है, अगर मेरी बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है अपनी बॉडी, मेरी उसकी बॉडी क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं,
मोशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, और आपको ये पता हो गया कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। रेफरेंस पॉइंट को हम कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट में हम कहाँ थे। ठीक है, ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या कि हमारे पास कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं, ठीक है, और किस पाथ पे वो डिपेंड करते हैं, मतलब कैसा पाथ उनका होता है। ठीक है, अगर हम देखें जो हमारा जो पहला मोशन है वो क्या है, हमारे पास सर्कुलेटरी मोशन है। ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन मतलब अगर कोई भी चीज़ें अगर हम सर्कुलर मोशन में हो, जैसे सिंपल सी बात, जैसे हम कोई राउंड सर्कल पार कर, और सर्कल पार पे हम क्या कर रहे हैं, राउंड लगा रहे, तो दे आर इन अ सर्कुलर मोशन। किस मोशन में आएगा वो, सर्कुलेटरी मोशन क्या आएगा, मतलब ऐसा कोई मोशन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास आता है एक लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब कि व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, दिस इज नोन एज लीनियर मोशन। मतलब कोई भी मतलब ऐसा मोशन जिसमें हम स्ट्रेट जा रहे हो, समझ में आ रही है, तो दिस इज नोन एज हमारे पास लीनियर मोशन। हमें तीन टाइप की मोशंस यहाँ पर पढ़नी है, तो हम यहाँ पर बात करें हमारे पास जो थर्ड मोशन है वो क्या है, हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। देखो ऑसिलेटरी मोशन इज वेरी सिंपल। देखो हमारे पास एक पेंडुलम होता है जो कि हमने खास बहुत बार देखा होगा हमारी वॉचेस के अंदर, मतलब जो घर पे जो वॉल क्लॉक होती है ना उसके अंदर लगा होता है, तो वो जो मोशन करती है ना जैसे टिक टॉक टिक, ठीक है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, हम इस मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो पाथ। मतलब ये कौन सा पाथ फ्लो कर रही है, टू एंड फ्रो पाथ को क्या कर रही है, ये फॉलो कर रही है। ठीक है, देखो अपनी ओरिजिन से ये टू एंड फ्रो पाथ फॉलो कर रही है, दिस इज नोन एज हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो हमने तीन टाइप के मोशंस पढ़े, हमारे पास कौन सा सर्कुलर मोशन, हमने एक पढ़ा लीनियर मोशन, एंड द थर्ड वन इज हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं मोशन की। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, हमारे पास व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, सॉरी लीनियर मोशन क्या होता है, एंड सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब हम ये एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्या होता है, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है समझने में, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो इन्हें कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, जितने भी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, जितने भी हमारे पास ये टर्म्स हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। वन इज इन्हीं ये सारी क्या होती है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मतलब ये मेजरमेंट करती है भाई, हर चीज़ क्या करती है, अलग अलग चीज़ मेजरमेंट कर रही है। ठीक है, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वन इज स्केलर एंड द सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। समझते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज है कैसे कैसे। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनके अंदर डायरेक्शंस नहीं होती, हमें नहीं पता चलती कि उनकी डायरेक्शन क्या है, समथिंग वन ऑल। समझते हैं क्या है, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया इट्स जस्ट अ नंबर। देखो ये क्या है, सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनसे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है, उनका नंबर पता है, हमें उनसे बिल्कुल भी डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता। मतलब हमें, हम उस फिजिकल क्वांटिटी को देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते, दिस इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हो गया स्केलर क्वांटिटीज, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पहले हम वेक्टर क्वांटिटीज भी समझते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो दोनों मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी बताती हो, दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, व्हाट इज, देखो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस है। देखो स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ क्या बताती है, हमें मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज, वो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शंस भी बताती है, हमें पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स सी, एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, देखो एक चीज समझना, वट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड, अगर मैं देखूँ डिस्टेंस हमारा क्या होता है, देखो डिस्टेंस का मतलब होता है जितना भी हमने एक्चुअल पाथ हमने क्या करा है, फॉलो करा है। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर हो गया, ठीक है,
100 मीटर हो गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, जैसे एक नंबर है, मुझे नहीं पता चल रहा उसकी डायरेक्शन क्या है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, हमने एक चीज पढ़ा है या फिर अभी आप आगे पढ़ोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो एक चीज देखना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और हमें ये पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव भी होता है, हमेशा नहीं मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब एक चीज समझो, देखो अब हमें कैसे पता चल गया, यहाँ तो सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, बट यहाँ पर मुझे डायरेक्शंस कैसे पता चलेगी, तो देखो ऐसे पता चलेगी। देखो ये मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, देखो इनिशियल पॉइंट कहाँ है मेरा भाई, अगर मैंने ओ से स्टार्ट करा, मैंने खत्म कहाँ करा है, खत्म भी तो मैंने ओ पे करा है भाई, मैंने स्टार्ट भी यहीं से करा है और खत्म भी यहीं पर ही करा है। तो देखो मैंने डिस्टेंस कितना, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो गया, जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट मेरा। अगर मैं देखूँ डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर, जो मेरा डिस्टेंस होगा, मैंने कितना डिस्टेंस चला ये, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, टू पाई आर, ठीक है। बट जो मेरा डिस्टेंस तो हो गया टू पाई आर, बट अगर मैं देखूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा जीरो, ठीक है। अब जीरो तो हो गया, तो इससे मुझे एक चीज पता चलती है ना, कि मेरे को डायरेक्शन पता चल गई कि यार वो बंदा ना यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और वापस उसी पोजीशन पे आया होगा, ठीक है, पोजीशन पे उसी पोजीशन पे आया होगा। तो इससे मुझे एक डायरेक्शन पता चल गई कि जहां से उसने स्टार्ट करा है वहीं पर ही उसने खत्म करा है। अब मेरे को डायरेक्शन का हिंट मिल रहा है थोड़ा, तो दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, जहां पर मुझे डायरेक्शन की थोड़ी मदद मिल जाती है। ऐसा करते हैं हम एक और एग्जांपल समझते हैं किसका, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का, समझने की कोशिश करना। देखो मेरे पास एक पोजीशन है, एक एक बंदा है ए पे खड़ा है और बी पे उसे जाना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। उसने क्या करना है, मतलब वो यहाँ ए से लेके बी तक जाना है, बट वो क्या करता है, देखो अब ए से लेके बी तक जाता है, उसने 10 मीटर क्या करा है, डिस्टेंस ट्रेवल करा है। अब वापस बी से क्या करता है, वो ए की तरफ आ जाता है और फिर उसने यहाँ पर आ जाता है, मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट करा था, जहाँ से उसने स्टार्ट करा था वहीं पर ही उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो एक चीज़ देखो, डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, डिस्टेंस देखो तो 10 वो ऐसे गया था और 10 ऐसे गया था, टोटल कितना डिस्टेंस चला उसने, 20 मीटर। बट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता, मैंने क्या बताया था, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जितना भी गैप होगा, तो स्टार्ट भी यहीं से करा था, खत्म भी यहीं पर रहा था, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, जीरो, जीरो मीटर। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है, सिर्फ एक नंबर मिल रहा है, बट यहाँ पर मुझे एक चीज पता चल रही है कि यार उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल, मैग्नीट्यूड तो मिल रहा है, मैग्नीट्यूड कितना मिल गया, जीरो। और हमें डायरेक्शन कैसे पता चल रही है कि उसने जहां से खत्म करा वहां से ही उसने क्या कर दिया, जहां से शुरू करा वहीं पर ही उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो मुझे पता चल गई ना उसकी डायरेक्शन, मतलब जिस जगह से वो गया था, जिस जगह वो गया था और वहीं से वो वापस आया और उसी जगह पे पहुंच गया। तो अब मुझे यहाँ पर मेरे को डायरेक्शन की नॉलेज आ गई, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन पे इसको बोलो कि एक्सप्लेन करो मुझे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको क्या करता हूँ, एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाता हूँ एंड आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं स्केलर क्वांटिटीज में रख सकता हूँ और किसको मैं वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर रख सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ क्या हो आई होगी, समझ में आई होगी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो क्या है हमारे पास, ठीक है, अब हम जो अपना टॉपिक पढ़ते हैं वो क्या है हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा, हमने अभी ऊपर समझा था कि हमने डिस्टेंस को किस क्वांटिटी में रख रखा है, स्केलर क्वांटिटी में, और इसको किस में रख रखा है, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब हम समझते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने पहले से ड्रॉ करके रख रखा है, वो क्या है, देखो हमारे पास एक हाउस है, मेरा घर है, मैं अपने घर से स्कूल जाता हूँ, जो कि जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है, एंड उसके बाद जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास स्कूल से लेकर ट्यूशन का, 3 किलोमीटर्स का, एंड उसके बाद अपने ट्यूशन से अपने फ्रेंड के हाउस जाता हूँ तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखना, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझना। डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल पाथ और अ लेंथ, मतलब द एक्चुअल पाथ और अ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैं भी हो सकता हूँ, मेरी बाइक भी हो सकती है,
मेरी साइकिल भी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ये कह रहा है कि कोई भी जो भी वो अपना लेंथ जितना भी वो ट्रैवल करता है उसका जो एक्चुअल लेंथ है ना उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं. देखो द एक्चुअल पाथ और अ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, वो अपनी जर्नी के अंदर वो जितना डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक. मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था, मेरा हाउस, फाइनल पॉइंट का है मेरे पास ये, ठीक है. जितना भी डिस्टेंस वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, देखो पहले वो 5 किलोमीटर चला, फिर वो कितना चला, 3 किलोमीटर चला, और उसके बाद क्या चला, फिर वो क्या करा, 5 किलोमीटर चला. तो जो एक्चुअल डिस्टेंस उसने किलोमीटर चला तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, 13 किलोमीटर, ठीक है. बट अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट रन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मतलब फाइनल पोजीशन या फार पोजीशन. देखो फॉर एग्जांपल देखो क्या है, मेरे पास इनिशियल पोजीशन क्या थी, अभी हमने डिस्टेंस समझा कि वो क्या था, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी वो पाथ ट्रेवल करते हैं अपनी पूरी जर्नी के अंदर उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस करते हैं. हमने सबको क्या कर दिया, प्लस 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 कर दिया, तो हमका पास क्या आ गया, हमारे पास हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस आ गया. बट अगर हम देखें तो हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, मेरे दोस्त का घर, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये, ठीक है, यही मेरा क्या कहलाएगा, ये जो पोजीशन है ये मेरा क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट मेरा अगर मैं देखूं, अगर मेरा ये 3 है तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर. तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है. तो अब देखो कितनी, अगर मैं देखूं ये दोनों चीजें अलग अलग है, इनकी वैल्यूज क्या है, दोनों अलग अलग है. अब एक चीज और समझो, देखो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है. जैसे मेरे पास एक जगह है, मैंने क्या करा है, एक पोजीशन है मेरी ए, ये है ए, ठीक है. अब मैं क्या करा, ए से बी गया, बी से यहाँ सी गया, सी से डी गया और डी से ए आया. जो मेरी जो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, मैंने ए से स्टार्टिंग करी थी और ख़त्म भी मैंने क्या करा, ए पे करा. मेरा इनिशियल पॉइंट भी मेरा ए था और फाइनल पॉइंट भी मेरा क्या है, ए था. अब देखो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जितना भी उसने लेंथ करा है. तो कितना लेंथ करा उसने भाई, अगर हम देखें 3 + 2 + 3 + 2, तो अगर हम देखें तो ये 6 और 4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है. बट अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की तो मैंने डेफिनेशन ही आपको ये बता रखी थी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को, अब इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है. तो ये था मेरे पास एग्जांपल किसका, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, और जो पेपर में बहुत बार आया आता है और पूछा भी जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है. 2 नंबर का एक टॉपिक होगा और 2 या 3 नंबर का ही टॉपिक आता है. सो आपको क्या करना है, आपको पूरा डिफरेंशिएट आना चाहिए. जितना हमने ऊपर समझा है उसी को हम क्या करते हैं, हम अच्छी तरीके से इलैबोरेट करते हैं और अच्छी तरीके से थोड़ा समझते हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टेंस. देखो लेंथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ. तो इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्चुअल पाथ, ठीक है. एक्चुअल पाथ इज क्या है, ये सारा सब. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, सिंपल. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो ये जो मेरा होगा ये क्या कहलाएगा मेरे पास, ये क्या कहलाएगा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है. तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट लेकिन द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल के बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, हमारे पास क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है, जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, हमारा डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है. अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर भी चलूँ ना, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी उसकी. तो इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और वो कभी जीरो नहीं होती, ठीक है. इसका मतलब ये चीज़ पता चल गया कि इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, कभी जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, कौन हमारा डिस्टेंस. बट अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा. देखो अब पॉजिटिव किस केस में होगा, जीरो किस में होगा और नेगेटिव किस केस में होगा, हम समझते हैं. देखो अगर मेरे पास ए से लेके बी है, ठीक है, अगर मैं ए से बी गया तो ये क्या होगा, डिस्टेंस इसने
मीटर चला, अब ये क्या हो गया, इसने पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रैवल कर। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जीरो की, जीरो कब होगा, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे खत्म करते, या फिर हम एक जगह पे आए और वापस उसी जगह पे, एक जगह से गए और दूसरी जगह पे वापस वैसे आ गए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो कहलाएगा। तो मैं नेगेटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं एक जगह से यहाँ गया, ए से बी गया, एंड ए से बी जाने के लिए गया मैं, और वापस जब मैं आया ना, तो मैं एक यहाँ पर रुकना था बट मैं थोड़ा आगे चला गया, तो मैं क्या चल गया थोड़ा, ये जो मेरा होगा ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चल गया, दिस इज नोन एज मेरे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हमने तीनों चीज समझ ली, व्हाट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गया, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तीनों चीजें हो सकती है। अब एक चीज समझना कि जो मेरा, अब जो फोर्थ पॉइंट है समझने की कोशिश करना, कि जो मेरा डिस्टेंस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। कब, अगर मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते हैं, जब हम एक लीनियर पाथ पे चले, जैसे ये रहा ए और बी, ठीक है, ए और बी, अगर मैं देखूँ ए और बी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल लेंथ कितना है, 10 है, और इनिशियल और फाइनल के बीच में जो पॉइंट डिस्टेंस है वो भी कितना है, 10 है। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है, हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन आता है। देखो वो कह रहा है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इक्वल। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अब हम देखेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, कब, सिंपल, देखो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस कितना है, अगर यहाँ पर मेरा वही एग्जाम्पल हो गया कि डिस्टेंस भी हमारा कितना है, 10, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 10, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमारे डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। बट कब वो लेस हो सकता है, तो देखो ऐसे, जैसे यहाँ से गया और यहाँ पर आया, यहाँ से गया और यहाँ पर, ये देखो ये, अब देखो अगर वो देख रहे, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है किससे, डिस्टेंस से। कैसे, अगर मैं देखूँ यहाँ पर डिस्टेंस से, कैसे, देखो डिस्टेंस मैंने कितना चला है, मैंने डिस्टेंस चला है इतना इतना सारा, बट मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने इतना ही चला है ना, तो हो गया ना मेरा डिस्प्लेसमेंट छोटा और डिस्टेंस बड़ा। तो ये हमारे पास क्या है, छोटा, चौथा डिफरेंस है किसका, इन सब के बीच का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं किसके बारे, किसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर, ये दो क्वेश्चंस है, और इसके थ्रू हम समझेंगे कि हम कैसे किसी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अगर बोले तो मेरा कितना, तो ए और बी, मतलब वो बोल रहे हैं अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अगर मैं देखूँ यहाँ से जो मेरा रेडियस है वो कितना हो गया, मेरे पास 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए पोजीशन और टू बी पोजीशन, ए से लेके वो बी तक जाती है, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस कितना होगा, देखो अब एक चीज देखो, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा मेरा ये, अगर मैं देखूँ तो डिस्टेंस तो मेरा ये होगा ना, ये क्या कहलाएगा, मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। और मेरे डिस्प्लेसमेंट देखो, तो डिस्प्लेसमेंट का तो हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो अब ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो मुझे पता है कि हम देखो एक होता है सर्कल, सर्कल की अगर मैं आउटर उस पर ट्रैवल करता हूँ, मतलब अगर मैं किसी भी सर्कल की आउटर सरफेस पे अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस यूज कर रहा हूँ उसकी, तो सर्कमफ्रेंस का क्या आता था, 2 पाई आर आता था, तो बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आधा सर्कल, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर, ठीक है, 2 से 2 कटा, यहाँ पर कितना है पाई आर, आर कितना है मेरे पास 10 पाई, ठीक है। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया, मेरे पास 10 पाई आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, अगर 10 की वैल्यू अगर मैं अगर यहाँ पर प्लेस करूँ, पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14 की वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू में 3.14, तो कितना हो जाएगा 31.4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस जो यूनिट है वो मीटर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मीटर का यूज करेंगे। बट अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बताया था क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल हमारे पास ए है, फाइनल बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक आर ई और एक आर ई, तो 2.5 मीटर, तो हम सीधा कर सकते हैं 2 आर, विच इज इक्वल टू में 2 into 10, कितना हो गया हमारे पास 20 मीटर, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, ये
20 मीटर मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा सेमी सर्कल का, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एक बॉडी, देखो अगर हम डायरेक्शंस देखें तो हमारे पास डायरेक्शंस क्या होते हैं, ये ऊपर होता है हमारे पास नॉर्थ, ये होता है हमारे पास साउथ, ये होता है ईस्ट होता है, और ये क्या होता है वेस्ट होता है, ठीक है। अब बॉडी ट्रेवल्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड ही टर्न्स राइट, अगर वो कह रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर एक बॉडी है हमारे पास एक, वो क्या कर रहा है यहाँ से ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये उसने डायरेक्शन क्या करके अपनी ऊपर के लिए रखी है, देखो ये ऊपर के डायरेक्शन पे वो जा रहा है, और ऊपर के डायरेक्शन के बाद 4 किलोमीटर जाने के बाद, 4 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या कर रहा है, ही टेक्स राइट। राइट क्या हो गया हमारे पास, ये मेरे पास राइट लिया, एंड फिर से उसने कितना ट्रैवल करा है, 4 किलोमीटर ट्रैवल करा है, ठीक है, किलोमीटर ट्रैवल करा है बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या आ जाता है, रेस्ट रेस्ट पे आने से पहले वो क्या करते हैं, 4 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। अब उसने पूछा टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा है, तो अगर मैं देखूँ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 4 + 4, तो 4 + 4 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 8 किलोमीटर मेरे पास क्या आ गया, उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा है। बट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था, मैं अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था, ये अगर मैं बात करूँ तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा ये होगा ना, अगर डिस्प्लेसमेंट करूँ ओ से स्टार्ट करा ए पे खत्म करा, तो ये जो होगा ये क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब वो देखो एक चीज देखो, पहले वो सीधा ऐसे जा रहा था, फिर एकदम से राइट हुआ, तो कितने डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पर, यहाँ पर जो एंगल बनाएगा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स में 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये 16 + 16, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √32, बोले तो अपना 4√2 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप जितना भी मैंने इस लेक्चर के अंदर पढ़ाया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने एक इस डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दे रखा है अपने फेसबुक पेज का, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आप तक उसका आंसर पहुँचा सकूँ अच्छी तरीके से, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँ उसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।